सबसे पहले स्वागत है अहाँ के अपन यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में बतावल जा रहा है बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंटक लेल मैथिली विषयक पद खंडक छठम चैप्टर जिनक नाम अच्छी कर्मवीर, जिनका रचयिता अच्छी दीनानाथ पाठक उर्फ बंधु। अब पाठ से जतेक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है तो वो तो हम बतेबे करब, संगे अ पाठ के जो कर्मवीर पाठ है ओकर व्याख्या सेहो बताबे के प्रयास करब। तो अहाँ के बता दी कि इससे पहले हम जतेक भी चैप्टर है ओकर वीडियो अपलोड कर देने छी, अगर नहीं देखल तो ओकर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके सेहो देख सकै छी। वीडियो अच्छा लगत तब लाइक करब और चैनल के सब्सक्राइब करब, अन्यथा कोनो जरूरी नहीं छे। ठीक छे, तो देखियो कर्मवीर पाठ के बतबे से पहले अहाँ सबके लेखक जे दीनानाथ पाठक हुनका बारे में कुछ जानकारी हासिल रखू, ताकि स्टेप बाय स्टेप जानकारी रखबे तो ऐसे हेते कि जतेक भी एग्जाम में क्वेश्चन हेते वो अहाँ सही सही आंसर दे सकै छी। तो देखियो दीनानाथ पाठक के अगर जन्म पूछल जाए तो कहबा के बेगूसराय जिला के टुनही गाम में, कत तो बेगूसराय जिला के टुनही गाम में 1928 ईस्वी में एक माध्यमिक स्कूल माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में अपन इलाका में नाम अत्यंत लोकप्रिय छे। एगो मिडिल स्कूल में ही शिक्षक छे तैके वो अत्यंत लोकप्रिय बन गया छे अपना इलाका में। चाणक्य नामक महाकाव्य रचना सेहो कलन, कहत जो दीनानाथ पाठक उर्फ बंधु जी के जे रचना है वो चाणक्य नामक एगो महाकाव्य है। तो चाणक्य नामक महाकाव्य के रचयिता के अच्छी तो अहाँ सबके कहबाक दीनानाथ पाठक उर्फ बंधु। हिनक निधन के बारे में बात कल जाए तो बहुत कम समय में हिनक निधन भेल 1962 में। अहाँ सब अनुमान लगा सके कि 1928 में जन्म भेल छलै और 1962 में एकर मृत्यु भ गेल, तो एहि हिसाब से अहाँ सब देख सकै छी कि बहुत कम एज में हिनक मृत्यु भ गेल। तो चलू ई जे काव्य संदर्भ अछि पाठ हुनका बारे में कुछ अहाँ सबके समराइज करके बता दी। तो काव्य संदर्भ में अहाँ सबके कहबाक अछि कि प्रस्तुत काव्य अंश जे छै चाणक्य महाकाव्य के पहिल सर्ग से लेल गेल अछि। पुस्तक कर्मवीर चाणक्य के कहल गेल अछि, कि कहै छै जे छै पुस्तक में जे कर्मवीर केकरा कहल जाइ छै तऽ चाणक्य के कहल गेल अछि। एहि शब्द से हुनकर ही विशेषता झलकैत अछि, ककरा तऽ चाणक्य के विशेषता झलकैत अछि। मुदा प्रस्तुत अंश में कोनो एहन व्यक्ति जे काज करे में विश्वास रखैत अछि, सक्रिय आ संघर्षशील अछि, तकर लक्षण आ महत्व वर्णन कवि केने अछि। तो देखियो एक के माध्यम से कहने छै ई तो पाठ में कहने छै जे चाणक्य के कर्मवीर कहल जाइ छै, लेकिन और भी कहै छै कि ए अंश के माध्यम से कवि जे बताबल चाहै छै कि ओ आदमी के कर्मवीर कहल जा सकैत अछि जे काज करे में अपन विश्वास रखै छै, काज के प्रति सक्रिय और संघर्षशील रहै छै, ओकरा में लक्षण के महत्व रहै छै कर्मवीर के जैसा, तो ओकरे हम कर्मवीर कहि सकै छियै। ठीक छै, तऽ एहि प्रकार से ई हिनक जे बतौने अछि तो अहाँ सब एना के एकरा याद रखब। ठीक छै, तो एहि के बाद देखियो ये पाठ अछि ओहिमे जतेक भी क्वेश्चन देने देल गेल अछि ओकरा हम बताबे के प्रयास करै छी अहाँ सबके बीच। तो देखियो अहाँ सबके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देल गेल अछि कि कर्मवीर के रचयिता छथि, तो अहाँ सबके याद रखबाक अछि कर्मवीर के रचयिता के छथि तऽ दीनानाथ पाठक उर्फ बंधु। ऑप्शन ग ओकर सही आंसर अछि। दोसर क्वेश्चन है दीनानाथ पाठक बंधु के रचना छनि, तो अहाँ एहि क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिया कि दीनानाथ पाठक लिखने अछि। ठीक छै, एहि के बाद देखियो ई रिक्त स्थान के पूर्ति करै लेल अहाँ सबके कहने अछि कि कर्मवीर निश्चित खाली स्थान विघ्न रहैत नहि ठाढ़। देखियो कहै छै जे कर्मवीर जे छै ओ कोनो भी बाधा रहै छै ओ जे छै ओतऽ ठाढ़ नहि रहै छै। तो अहाँ सबके बता दी कि ई लाइन के अहाँ सबके पूरा करबाक अछि कविता के देख देख कऽ। तो देखियो अहाँ सब याद रखब कर्मवीर विघ्न, तो एहिमे अहाँके खोजबाक अछि कि कर्मवीर विघ्न। तो देखियो तऽ अहाँ सबके याद रखबाक अछि कि कर्मवीर जे छै कर्मवीर के निश्चित पथ पर विघ्न रहै नहि ठाढ़, तऽ निश्चित पथ पर तऽ निश्चित एकर आंसर भऽ जायत एहिमे, एहिमे जे छै निश्चित तऽ भऽ गेल छै पथ पर, अतः की भऽ जेतै पथ पर निश्चित पद पर पथ पर। एहिके बाद दोसर क्वेश्चन अछि कि घनक चोट सेहो घनक चोट सँ ही खाली स्थान धातु सँ होइहे जखन तरुआरी, तो अहाँ सबके ई घनक घन मतलब होइ छै अहाँ सबके हथौड़ी कहि सकै छी अपना सब बड़का वाला हथौड़ी, ओकरा चोट के सहि सकै छै। ताहिके बाद धातु, तो एहिमे अहाँ सबके ओ लाइन के मिला लेब तऽ घनक, तऽ हम अहाँ सबके बता दै छी एहिके बाद अहाँ सब अपने खोजि लेबै। ठीक छै, देखियौ घनक चोट सही लौह के
लौह धातु से होइ छ जखन तरुआरी त अहाँके लौह कहबाक अछि। अतः लौह मतलब लोहा, तऽ लोहा जे छै घनक के चोट सहै छै। एहिके बाद तेसर नंबर क्वेश्चन अछि, मृत्य लोक सँ देव लोक धरी खाली स्थान ओ कहबै छै। देखियौ ई बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अछि, एहिके एहि बार के मॉडल पेपर मे सेहो आयल अहाँ सबके। तऽ मृत्य लोक से देव लोक धरी ओ नेता कहबैत अछि, नेता तऽ मॉडल पेपर मे सेहो आयल अछि, तऽ अहाँ सबके देखा दै छी कि देखियौ मृत्य लोक सँ देव लोक धरी नेता ओ कहबै छै, तऽ नेता एकर सही आंसर भऽ जायत। एहिके बाद देखियौ एहि पाठ मे जे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जे लघु उत्तरीय प्रश्न देने गेल अछि ओकरा बारे मे अहाँ सबके बता दी, कियाकि देखियौ लघु उत्तरीय प्रश्न ही पूछै छै अहाँ सबके बोर्ड मे। देखियौ एतऽ अछि कि कर्मवीर लक्ष्य केहन अछि, तऽ कर्मवीर के लक्ष्य केहन अछि, तऽ कर्मवीर के लक्ष्य जे होइ छै ओ अचूक होइ छै, ठीक छै, तऽ अचूक कहबाक अछि। कर्मवीर केहन होइ छै, देखियौ कर्मवीर दृढ़ निश्चय होइत छथि, ओ संकट सँ मुँह नहि मोड़ै छै, संकट पर विजय प्राप्त करैत छै, जाहिसँ संकट हुनक पथ प्रदर्शन बनि जाइत अछि। तऽ अहाँ सब एहि क्वेश्चन के आंसर नोट डाउन कऽ सकै छी। एहिके बाद अछि कि पठित कविता मे नेता के रूप मे अछि, देखियौ पठित कविता मे नेता के वजह के रूप मे कहि रहल अछि, तऽ अहाँ सबके कहबाक अछि कि पठित पाठक आधार पर नेता वही छथि जे अपन स्वार्थ त्याग देश समाज आ धर्म रक्षाक बलिदान भऽ जाइत अछि। तऽ अहाँ सबके ई कहबाक अछि कि नेता ओकरे कहबै जे अपन जे स्वार्थ छै देश आओर समाज आ धर्मके रक्षाके लेल अपन बलिदान जे छै खुशी खुशी चढ़ि जाइ छै, एना अहाँ सब कहि सकै छी। चौथा क्वेश्चन अछि कि कर्मवीर किनकर कविता अछि, तऽ कर्मवीर तऽ अहाँके किनकर कविता अछि, तऽ एहिसँ यादे हैत कि दीनानाथ पाठक जीके कविता अछि। एहिके बाद पाँचीमे अछि कर्मवीर सँ अहाँ की बुझै छी, कर्मवीर से अहाँ की बुझै छी, तऽ अहाँ सब ई बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अछि, अहाँ सब एकरा याद रखब। तऽ कर्मवीर हमरा बुझने वह छथि जे सतत अपन कर्म मे लीन रही अपन लक्ष्य तक पहुँचैत छथि, ओ रास्ता मे आयल अपन विघ्न बाधाओं अनदेखी कऽ ओही सँ शिक्षा लैत अछि। अहाँ सब एहि क्वेश्चन के आंसर कुछ इस प्रकार से दऽ सकै छी कि कर्मवीर ओकरे हम कह सकै छी जे अपना लक्ष्य मे अपना कर्म मे लीन रहै छै और लक्ष्य प्राप्ति के लेल अपन अग्रसर रहैत अछि, और रास्ता मे कोनो भी बाधा आबै छै तऽ ओकरा अनदेखा कऽ के अपन ओही से ओही बाधा से शिक्षा लैत रहै छथि। एहिके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न मे अहाँ सबके पूछल जाय, तऽ कहबाक अछि कि कर्मवीर पाठक भावार्थ लिखू, तऽ अहाँ सबके कहबाक अछि कि प्रस्तुत कविता मे कवि केहने चाहै छथि जे अपना के कर्मशील बनेबाक चाही, अपना के कर्मशील बनेबाक चाही, चाहे कोनो प्रकारक विघ्न बाधा रास्ता रोकि ठाढ़ी अपन पथक विचलित नहि होइ, ओ प्रत्येक दाहक दुख सँ अपना के सोना जेना दीपित कऽ लैत छथि। अहाँ सब कुछ एहि प्रकार से एकरा याद रखब, अहाँ सब नोट डाउन कऽ सकै छी। एहिके बाद हम अहाँ सबके बता दी कि ई जे दोसर क्वेश्चन अछि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अछि, तऽ एकरा याद रखब, पहिल और दोसर क्वेश्चन अहाँ सब याद रखब, नोट डाउन कऽ लिअ। तऽ चलू एहिके हम ऑब्जेक्टिव अहाँ सबके बता दै छी, एहिके बाद अहाँ सबके खुद याद भऽ जायत। देखियौ ऑब्जेक्टिव मे अहाँ सबके पूछल जा सकैत अछि कि दीनानाथ पाठक के उपनाम अछि, तऽ अहाँ सबके बतेलहुँ कि दीनानाथ पाठक के उपनाम जे अछि बंधु अछि, तऽ ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि। दोसर क्वेश्चन अछि दीनानाथ पाठक बंधु के जन्म कोन जिला मे भेलै, तऽ बेगूसराय जिला मे भेलै, बेगूसराय ऑप्शन डी एकर सही आंसर अछि। तेसर क्वेश्चन अछि दीनानाथ पाठक के जन्म कोन गाम मे भेलै, तऽ अहाँ सबके बता देलहुँ कि टुनही गाम मे भेलै, टुनही ऑप्शन ए एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद चौथा क्वेश्चन अछि दीनानाथ पाठक बंधु कोन महाकाव्य रचना के लिए, तो अहाँ सबके बतेलहुँ कि चाणक्य महाकाव्य रचना के लिए, ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि और ई बहुत इम्पोर्टेंट अछि। एहिके बाद अछि पाँच नंबर क्वेश्चन दीनानाथ पाठक बंधु के जन्म कोन ईस्वी में भेलनी, तो अहाँ सबके बता देलहुँ कि 1928 ईस्वी में भेलनि और 1962 ईस्वी में मृत्यु भऽ गेल, तो 1928 एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद अछि छठा क्वेश्चन कर्मवीर के रचयिता के छथि, तऽ दीनानाथ पाठक उर्फ बंधु अछि, तऽ दीनानाथ पाठक उर्फ बंधु ऑप्शन सी एकर सही आंसर अछि। सातम क्वेश्चन अछि दीनानाथ पाठक बंधु के कोन रचना छनि, तऽ अहाँ सब ई क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दिअ। आठम क्वेश्चन अछि कर्मवीर सँ अहाँ की बुझै छी, ओ हम बतेलहुँ कि कर्मवीर से अहाँ की बुझै छी, तऽ अहाँ सब एहि क्वेश्चन के आंसर जरूर दिअ। एहिके बाद जे छै अहाँ सबके नौ नंबर क्वेश्चन अछि कर्मवीर केहन होइ छथि, तऽ कर्मवीर जे होइ छै ओ केहन होइत छथि, तऽ अतः देखियौ देल जाइ छै स्वार्थी, स्वार्थी तऽ होइते नहि छै। एहिके बाद स्वार्थहीन, एहिके बाद मजबूत,
विशाल तऽ देखियौ स्वार्थहीन होइ छै कर्मवीर, कर्मवीर जे होइ छै ओ स्वार्थहीन होइ छै। ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि। दसम क्वेश्चन, कर्मवीरक लक्ष्य केहन होइ छै? देखियौ कर्मवीरक लक्ष्य जे होइ छै ओ अचूक होइ छै। की होइ छै? अचूक। ऑप्शन सी एकर सही आंसर अछि। एहिके बाद 11 नंबर क्वेश्चन अछि, दीनानाथ पाठक बंधु कथीके रूपमे लोकप्रिय छलाह? तऽ ई शिक्षकके रूपमे, मिडिल इसकुलके शिक्षकके रूपमे लोकप्रिय छलाह। तऽ ऑप्शन ए एकर सही आंसर अछि, शिक्षक रूपमे। एहिके बाद अगला क्वेश्चन अछि, दीनानाथ पाठक बंधुके निधन कहिया भेल? तऽ अहाँ सबके बतेलक 1962 भेल। ऑप्शन बी एकर सही आंसर अछि। 13 नंबर क्वेश्चन अछि, दीनानाथ पाठक बंधुके रचयिता द्वारा रचित कविता कोन अछि? एहि क्वेश्चनके आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्समे जरूर देब। 14 नंबर क्वेश्चन, कर्मवीर पाठके कवि के छथि? तऽ ओहो क्वेश्चनके अहाँके यादे भऽ गेल हैत। एहिके बाद अछि अहाँ सबके, दीनानाथ पाठकके जन्म कोन ईस्वीमे भेलनी? इहो हमरा सबके बतेबे केलहुँ, अहाँ सब कमेंट बॉक्समे जरूर लिखब। 16 नंबर क्वेश्चन, दीनानाथ पाठकके जन्म कोन जिलामे भेल? इहो हमरा सबके बतेलहुँ, ओकर आंसर अहाँ सब कमेंट बॉक्समे जरूर देब। दीनानाथ पाठकके निधन कहिया भेल? इहो हमरा सबके बतेलहुँ, अहाँ सब कमेंट बॉक्समे जरूर देब। चाणक्य नामक महाकाव्यके रचना के कयने? तऽ चाणक्य नामक महाकाव्यके रचना के कयलनि? तऽ अहाँ सबके याद भऽ गेल हैत कि दीनानाथ पाठक उर्फ बन्धुजी। ऑप्शन ए एकर सही आंसर अछि। एहि प्रकारसँ एहि पाठके जतेक भी ऑब्जेक्टिव आओर सब्जेक्टिव छल हम अहाँ सबके बता देलहुँ। वीडियो नीक लगै तऽ वीडियोके लाइक करब, चैनलके सब्सक्राइब करो।